छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के शासकीय अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ मारपीट व गाली गलौज करने वाली महिला डॉक्टर को किया पुलिस ने गिरफ्तार। दरअसल डॉक्टर ने बीते अगस्त माह में नर्स और लैब टेक्नीशियन के बीच गलत संबंध होने का आरोप लगाया था। ऐसा आरोप लगाने का कारण पूछने पर डॉक्टर ने नर्स की पिटाई कर दी थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने अब कार्यवाही की है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जयराम नगर की रहने वाली मंजुला रात्रि, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, मल्हार स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है। अस्पताल में डॉक्टर चंचला रात्रे RMA और कपिल मिंज लैब टेक्नीशियन हैं। बीते 9 अगस्त को मंजुला अपने घर में थी। उसी समय कपिल मिंज ने उसे फोन किया और बताया कि तुम्हारे और मेरे बारे में गलत संबंध होने का आरोप लगाकर किसी ने मेरी पत्नी सीमा मिंज से शिकायत की है। तब मंजुला बोले कि अभी मैं अपने घर में हूँ और कल हॉस्पिटल में पूछेंगे कि ऐसा किसने बोला है। RMA चंचला का नाम सामने आते ही नर्स मंजुला ने कहा कि इस तरह से आप बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रही हैं? हम लोगों के बीच आपने ऐसा क्या देखा जो आपको गलत लगा? तब चंचला कहने लगी कि दोनों घंटों बैठकर बातचीत करते हो, एक लड़की किसी से लंबी बातें क्यों करेगी? तब मंजुला ने कहा कि अस्पताल में जो भी बातें होती है काम और विभागीय होती है। इस बीच उनके बीच झगड़ा पड़ गया और चंचला ने जातिगत गाली देते हुए मंजुला के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। भी पुलिस ने नर्स की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था, लेकिन मल्हार चौकी प्रभारी इस गंभीर मामले में कार्रवाई करने के बजाय केस को ही दबा दिया था। अब दिसंबर में पेंडिंग केस का निपटारा चल रहा है। तभी प्रशिक्षु DSP नूपुर उपाध्याय ने पूरे प्रकरण की जानकारी ली। तभी उन्होंने मारपीट और जातिगत गाली देने के इस प्रकरण में आरोपी डॉक्टर चंचला बंजारा को गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।